press the bell icon of the e-Pathshala channel and never miss another update. सो वेलकम बैक स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम ऋषि है और हम लोग करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की बुक, उसका चैप्टर विस्टास बुक का चैप्टर नंबर वन, जिसका नाम है द थर्ड लेवल। अब हमने पिछली बुक कंप्लीट कर दी है, उस बुक से जितने हमने चैप्टर्स अपलोड करे हैं उतने ही आ रहे हैं उसके आगे, इस बार के आपके सिलेबस में नहीं आएंगे। नेक्स्ट टर्म में आपके हम वो चैप्टर्स भी कराएंगे जरूर, अभी के लिए हम जो सिलेबस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। तो हमने नई बुक अपनी स्टार्ट कर दी है जिसमें आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर वन द थर्ड लेवल। तो अब देखते हैं इसके पहले ऑथर के बारे में। तो इसके ऑथर का नाम है जैक फिने। जैक फिने एक अमेरिकन नोवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग करते हैं। बट ये जो हमारी स्टोरी है द थर्ड लेवल, ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट है एक नोवल का, जिसमें कि समझने में हमने बहुत सारी पढ़ी हैं पहले भी, जो समझने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इस वजह से हम लोग इसको एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आप लोगों को, बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करी गई है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपनी स्टोरी किस बारे में है। तो सबसे पहली बात, अपनी स्टोरी किसके बारे में है? अपनी स्टोरी है इसमें टाइम ट्रैवल के बारे में, मतलब एक टाइम मशीन या टाइम ट्रैवल जो होता है एक इंसान के साथ, उसके बारे में ये स्टोरी है। वो कैसे एक टाइम में पीछे चला जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर उसका दोस्त पीछे चला जाता है। तो आइए देखते हैं अब अपनी स्टोरी में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बताई हैं और इस स्टोरी को एक अच्छे तरीके से समझते हैं। तो हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है एक, ये एक रेलवे स्टेशन है। कहाँ पर ये स्टेशन है? गैल्सबर्ग में। गैल्सबर्ग एक जगह है, वहाँ पर ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ये आप देख रहे होंगे। इसमें क्या है, इसमें दो फ्लोर का ये स्टेशन है, टू लेवल्स का स्टेशन है। बट हमारा एक कैरेक्टर है जो इसमें थर्ड लेवल को भी देखता है। इसमें फर्स्ट लेवल तो इसका ये एक ग्राउंड फ्लोर है और एक इसका बेसमेंट है, दो लेवल का स्टेशन है। उसमें से वो थर्ड लेवल पे जाता है और वो थर्ड लेवल क्या होता है आगे हम स्टोरी में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा मेन लीडिंग कैरेक्टर जिसका नाम है चार्ली, 31 ईयर्स ओल्ड एक इंसान है, जो कि अपनी बातें कुछ इस तरीके से बताता है जो यूजुअली मतलब कोई भी यकीन नहीं करेगा। अगर आप लोगों ने, मैंने जिस मूवी का या जिस वेब सीरीज का पार्ट लगाया आप लोगों ने वो देखी होगी, तो आप लोग इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि ये इंसान भी लूसीफर जो अपने आप को डेविल बताता है, वो कैसे मतलब सबको बताता है मगर कोई भी उसकी बात को सच नहीं मानता। कुछ उसी तरीके से वो लड़का जो हमारे है चार्ली 31 ईयर्स ओल्ड का, वो बताता है कि मैं टाइम में पीछे गया हूँ और जो ये रेलवे स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, इसमें थर्ड लेवल है जो कि आज है ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, सिर्फ वही एक इंसान है जिसने देखा है। तो अब आगे स्टोरी में क्या होता है ये देखते हैं। आगे स्टोरी यह है कि एक दिन, यूजुअल सी बात है, वो बंदा अपने ऑफिस से लौट रहा था, जब सारी चीज़ें करके वापस आ रहा था अपने घर, वो स्टेशन से निकलता है, उसको लेफ्ट लेना होता है, मगर वो लेफ्ट लेता है और पता नहीं किस तरफ एक ख्यालों में चला जाता है। उसके बाद वो कहाँ पहुँचता है, वो कुछ इस तरीके से टाइम में पीछे पहुँचता है, जैसे यहाँ हमारा टॉम मर के स्वर्ग में जा रहा है, उस तरीके से वो टाइम में पीछे जाता है। अब उसे पता कैसे चलता है टाइम में पीछे जाने का, ये सारी चीज़ें हम आगे स्टोरी में देखेंगे। तो वो जब टाइम में पीछे जाता है, वो वहाँ से फिर बैक आता है, तो और वो अपने एक दोस्त जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है उसको बताता है सारी चीज़ें कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरे को लग रहा है मैं टाइम में पीछे गया था। मगर वो उसका दोस्त क्या बोलता है, वो बोलता है तुम वहाँ सपने में गए होगे, या तुम क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, तो तुम्हारा माइंड एक रिलैक्स चाहता है उन सब चीज़ों से, इसलिए तुम टाइम में पीछे, तुमने मतलब ख्याल करा कि तुम वहाँ पर गए थे बट ऐसा कुछ नहीं था रियलिटी में। तो जो उसका दोस्त है साइकाइट्रिस्ट, वो उसको क्या बताता है कि जो ये आज का मॉडर्न वर्ल्ड है वो हमेशा एकदम डर से भरा हुआ है, वहाँ पे वॉर्स हो रही हैं जिसके कारण तुम डरते हो, और डरते हो तो तुम सोचते हो कि मैं क्यों ना टाइम में पीछे जाऊं और वहाँ पे मैं रिलैक्स की ज़िंदगी गुजारूं, इसलिए तुमने वो सपना देखा और तुम्हें ऐसा लगा कि तुम शायद टाइम में पीछे गए थे, बट ऐसा कुछ भी रियलिटी नहीं है। पर वो क्या करता है, वो भी मान लेता है कुछ टाइम के लिए कि हाँ हो सकता है मैंने सपना ही देखा हो। मगर अब क्या होता है, उसको एक हॉबी होती है, हमारा जो कैरेक्टर चार्ली है उसको हॉबी होती है स्टैम्प कलेक्टिंग की। ये स्टैम्प्स आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारे कलेक्टर्स होते हैं जो पर टाइम पीरियड की अपने अलग अलग स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, उनको सजा कर रखते हैं अपने पास बहुत ही ज़्यादा मेमोरीज के लिए, या आगे चल के वो बेचते भी हैं जो कि बहुत महंगे बिकते हैं। अब क्या था, अब एक
जो हमारा चार्ली था उसके लिए क्या हो चुका था, जो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था जिसकी अभी हमने फोटो देखी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वहाँ पे क्या था, वो उसके लिए एकदम मेज बन चुका था। मेज एक ऐसा पजल होता है जिसमें से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब भी वो मतलब सबवे में जाता था, जैसे ये सबवे है हमारे इंडिया में बहुत सारे होते हैं, हर जगह होते हैं, तो जब वो सबवे से जाता था वो हमेशा मैक्सिमम टाइम्स अपना रास्ता भूल जाता था, और वो कई बार तो कई किसी होटल में जाकर निकला है, कई बार किसी गलत जगह जाके निकला है, 3 ब्लॉक्स आगे निकला है, वो यूजुअली होता था। मगर इस बार उसके साथ क्या हुआ था, वो उस स्टेशन के 3rd लेवल यानी कि अंडरग्राउंड में जो उसके मतलब एक बेसमेंट था उससे भी नीचे एक लेवल पर आ जाता है, जिसको कि 3rd लेवल का नाम दिया, जहाँ यूजुअली कोई भी इंसान नहीं जाता है। अब वहाँ पे क्या था, वो जब आता है तो वो कुछ चीज़ें नोट करता है। वो कुछ चीज़ें क्या नोट करता है, अब वो नोट करता है कि जो स्टेशन जो बना है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड टाइम के हिसाब से बना है, वो आर्किटेक्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है। वो वहाँ पे देखता है कि पुराने लकड़ी के गेट्स हैं और एक फ्लेमिंग चिमनी है, मतलब फ्लेम गैस की लाइट्स हैं वहाँ पे, वो अभी LEDs का यूज़ नहीं हो रहा, कोई बल्ब का यूज़ नहीं हो रहा, वहाँ पे फ्लेम के थ्रू लाइट्स करी जा रही हैं, और जो वहाँ पे ब्रास के ये रखे हुए हैं पीकदान, आप लोग जानते होंगे, थूकने के लिए रखे हुए हैं या कुछ कूड़ा फेंकने के लिए ब्रास के रखे हुए हैं। ब्रास मतलब तांबे के या ऐसा कुछ मेटल टाइप का रखा हुआ है, जो कि मतलब बहुत पुराने टाइम में यूज़ होते थे, आजकल ऐसा यूज़ नहीं होता है। उसके बाद वो एक चीज़ और क्या नोट करता है, जो मतलब वो जो वहाँ का कि जो वहाँ की बनावट है, जो आर्किटेक्चर है, वो क्या है, वो 1800s का उसको लगता है कि 1800s के टाइम में शायद मैं आ गया, बहुत ज़्यादा पुराने टाइम में आ गया, इस वजह से मेरे को ये सब ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ता है, वो सोचता है कि मैं कन्फर्मेशन करूँ कहीं ना कहीं से, तो वो क्या देखता है, वो वहाँ पर पड़ा एक न्यूज़पेपर उठाता है, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था द वर्ल्ड। ये उसी टाइम का न्यूज़पेपर है, बट एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता। उसमें 1894 की 11 जून 1894 1800s के टाइम पे आ गए हैं अब हम, तो वो 1800s के टाइम पे पहुंच चुका था। अब वो क्या करता है, वो वहाँ से किसी तरीके से बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद वो मतलब अपनी वाइफ को बताता है, जो उसका हमेशा से ड्रीम था कि गेल्सबर्ग एक जगह है, वो वहाँ पर अपनी वाइफ के साथ जाए, ये पुरानी जगह है, पुराने टाइम में मतलब जाना चाहता था, वो वहाँ पे अपनी वाइफ के साथ जाए और वहाँ पर इंजॉय करे, क्योंकि वो बहुत ही शांत और सुकून भरा माहौल था, वहाँ पे शांति होती थी, कोई वॉर्स नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कुछ नहीं, इस वजह से वो वहाँ जाना चाहता था। और एक रीज़न और क्या था, जो वहाँ के घर जो बने हुए थे, जो मतलब उनकी बनावट का स्टाइल था, वो बहुत ज़्यादा यूनिक था। वहाँ बड़े बड़े पेड़ थे, गार्डन्स थे बैठने के लिए, मतलब कोई लड़ाई झगड़े नहीं, एकदम शांति भरा माहौल, जहाँ पे इंसान अपना यूजुअली सारा टाइम स्पेंड कर सकता है। इसके बाद वो क्या करता है, वो वापस आता है, वापस वहाँ से निकल चुका है, वो अपने घर आ चुका है। नेक्स्ट डे जब ऑफिस में वो अपना लंच का टाइम होता है, वो क्या करता है, $300 को वो एक्सचेंज कराता है ओल्ड करेंसी में, ये 2 ओल्ड करेंसी हमने डाली है, उसको क्या मिलता है, उसके बदले $200 की ओल्ड करेंसी मिलती है। अब उसको इस चीज़ की चिंता नहीं थी कि मेरे को पैसे कम दिए इन्होंने, क्योंकि वो जानता था कि आज के टाइम से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सस्ती चीज़ें होंगी, जो कि मेरे को ये भी बहुत ज़्यादा इन्होंने दे दिए हैं $300 के बदले $200। मगर इसके बाद एक इंटरेस्ट ये आता है कहानी में कि वो अब उसके बाद कभी भी वो रास्ते को ढूंढ नहीं पाया, वो कॉरिडोर को ढूंढ ही नहीं पाया, उस रास्ते कभी जा ही नहीं पाया। उसके बाद उसके लिए वो 3rd लेवल कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया। अब फिर एक दिन वो ऐसे ही अपनी वाइफ से बैठ के बात कर रहा होता है इसी बारे में कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर गया था, मैंने वो चीज़ें देखी, और उसकी वाइफ क्या बोलती है कि प्लीज़ अब तुम बस भी करो, ये सारी चीज़ें, ये सारी मजाक मेरे साथ मत करो और ऐसी चीज़ें सोचना बंद कर दो। मगर अब इसमें एक कहानी में इंटरेस्ट आप लोग देखिए छोटा सा। एक दिन उसकी एक फ्रेंड, उसका एक फ्रेंड था सैम नाम का, सैम की वाइफ आती है इनके घर पे, और किस लिए आती है, वो बोलती है कि मेरे हस्बैंड कई दिन से लापता हो रखे हैं, कई दिन से मिसिंग है, जो अभी तक घर नहीं आए, क्या तुम्हें उन लोगों का कुछ पता है? इस बारे में कुछ भी नहीं पता सैम, हम मुझसे कई दिन हो गए नहीं मिला है। अब उसके बाद क्या होता है, सैम यूजुअली कौन है, सैम एक बंदा है जिसके साथ हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपना टाइम स्पेंड करता है, अपनी सारी बातें शेयर करता है, तो सैम वो इंसान था। सैम, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, सैम उसका साइकाइट्रिस्ट था, जिससे वो सारी बातें बताया करता था और अपनी ट्रीटमेंट कराया करता था।
अब चार्ली को उसकी स्टैम्प कलेक्टिंग की आदत कहाँ से लगी थी, उसको स्टैम्प कलेक्टिंग की आदत थी उसके दादाजी से। तो वो अपने दादाजी से जो मतलब जितने भी उसने स्टैम्प्स कलेक्ट करे थे, एक दिन ऐसे ही देख रहा था तो उसको क्या मिलता है, उसको एक लेटर मिलता है जो कि वहाँ पर नहीं था पहले कभी, और वो अचानक से वहाँ पर था। उस पर किसकी फ़ोटो बनी हुई थी, उस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की एक फ़ोटो थी जो 6 सेंट का, मतलब आप लोग देख रहे हैं लिखा भी हुआ है 6 सेंट का एक वो था स्टैम्प, जिसको जो बहुत महंगा नहीं था। मगर अब वो अचानक से आया कैसे, और वो चार्ली के ग्रैंडफादर को भेजी गई थी, मगर किसके नाम पर, चार्ली के नाम पर। तो चार्ली के नाम पर वो लेटर आया था, क्योंकि चार्ली उस टाइम पर था भी नहीं, उसके ग्रैंडफादर को भेजी गई थी। उस लेटर में सैम ने चार्ली को बोला था कि मैं गेल्सबर्ग पहुंच चुका हूं, और चार्ली और लूसिया जो उसकी वाइफ थी उसको भी इनवाइट करता है कि आप लोग भी आ जाइए यहाँ पर, मैं अब आ चुका हूँ तो आप लोग भी आ सकते हो, मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं आप लोगों को भी अपने साथ रख लूँगा। और जब वो और चीज़ें पता करता है बाद में कि कैसे मेरा दोस्त क्या सच में वहाँ पर गया है, तो उसको पता चलता है जब वो एक्सचेंज शॉप में जाता है जहाँ पर मनी एक्सचेंज होता है, तो वहाँ क्या पता करता है कि उससे पहले ही जो सैम है उसने $800 एक्सचेंज करवाए थे ओल्ड करेंसी में, ताकि वो वहाँ जाकर अपना कोई एक छोटा सा बिजनेस खोल सके और वहाँ पर इंजॉय कर सके अपने पुराने टाइम में। तो यहाँ हो जाती है हमारी स्टोरी ख़त्म। तो स्टोरी का एक कंक्लूजन निकल कर ये आता है कि हमारा कैरेक्टर चार्ली पहले तो जाता है पुराने टाइम में, टाइम ट्रैवल करता है, जिससे कि उसके ये बातों पे कोई यकीन नहीं मानता, बट एट लास्ट उसका जो साइकाइट्रिस्ट था सैम वो भी उस चीज़ को ट्राई करता है, और रियलिटी में वो वहाँ पहुँच जाता है और अपनी लाइफ को वहीं पे सक्सेसफुली बिताता है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर कोई कमी लगी, या अगर कोई भी चीज़ की आपको दिक्कत होती है, कोई इशू आता है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।